अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फराज जवेद और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल कुकिंग विद शेफ फराज। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बनाना सिखाएंगे टमाटो केचप। होममेड टमाटो केचप कैसे बनेगी, तो आइए चलते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ और बनाते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरुआत करते हैं आज की रेसिपी की और चलते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसमें हम ले रहे हैं 1 किलो टमाटर, 4 अदद लौंग, 1 दालचीनी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल जाएगा इसके कुकिंग में लास्ट में, और यहाँ पे है हमारे पास साबुत लाल मिर्च 5 से 6 अदद, एक स्मॉल साइज़ की हमारे पास है प्याज, इसको हम 1/2 कर लेंगे, और मेरे पास लहसुन की जो है जो क्लोव बोलते हैं ये 5 से 6 अदद हैं, और 1 इंच मेरे पास अदरक का टुकड़ा है। यहाँ पर 1 किलो की रेसिपी में 1/2 कप जाएगी चीनी और 1/4 कप होगा इसमें विनेगर। तो आइए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। टमाटो के लिए सबसे पहले आप इसके टॉप रूट को कट कर लें, और हमने इसकी जो कुकिंग का टाइम है वो है हमारे पास 30 से 35 मिनट के लिए, तो हम इसलिए इसकी जो कटिंग है वो क्यूब में कट कर लेंगे इस साइज़ में। और ऐसे ही है सारे टमाटर को हम कट कर लेते हैं। टमाटोज कट हो चुके हैं और अब चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ और फ्लेम ऑन करते हैं और स्टार्ट करते हैं केचप। एक पैन ले लिया और उसमें अब हम ऐड कर रहे हैं टमाटोज। चंक्स देख लें, इतने ही रखिएगा ताकि जो टाइम आपको देना है केचप को उस रेस्ट का, उसके मुताबिक ये प्रॉपरली गल जाए। और इसी स्टेज में हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल कर देते हैं। इसमें ऐड कर देंगे लहसुन, और ये मेरे पास है अदरक, इसको मैंने पीस कर लिया इसके, और ये मेरे पास है प्याज, इसको मैं 1/2 करके डाल देता हूँ इसमें। और ऐड करेंगे इसमें चिलीज, और इसमें ऐड करते हैं लौंग और दालचीनी, और इसमें साथ ऐड कर देंगे विनेगर। तो एक बार मिक्स करके हम इसके ऊपर लिड क्लोज कर देंगे और मीडियम हीट पे इसको 25 से 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। व्यूअर्स, मैंने इसको देख लीजिए 25 मिनट्स के बाद लिड को हटाया, और देखें अच्छे से ये सॉगी हो चुके हैं, देखें, और ये गार्लिक देख लें, आपको पता चल रहा है कि इस टाइम इसकी थिकनेस कहाँ पर है। ये यहाँ पे फ्लेम कर देंगे बंद और इसमें से दालचीनी निकाल लेंगे। ये जो सिनेमन स्टिक का दालचीनी, इसको हम निकाल लेंगे और बाकी जो है उस मिक्सचर को ग्राइंडर में डालते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंडर में शेक कर लें, पानी नहीं लगाइएगा, और अगर थिकनेस ज़्यादा आपका हो गया तो आप तब शामिल कर सकते हैं पानी, पर हम इसको ऐसे ग्राइंड करेंगे। अच्छे से जब ये ग्राइंड हो जाए तो इसके अंदर हम लास्ट में ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल, और इसके बाद एक बार फिर शेक करेंगे और फिर इसका हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लें।
ये आपका डिस्कार्ड होगा और बाकी हम स्पाइसेस डाल के इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये पैन में शामिल कर दें, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और यहाँ पे है चीनी हाफ कप। अच्छे से इसको मिक्स कर लें और उसके बाद इसको कुक होने दें तकरीबन मज़ीद मीडियम हीट पे 25 से 30 मिनट। जब तक ये थिक ना हो तब तक इसको हम रेस्ट पे नहीं रखेंगे, हम आपको बताते हैं कि जब इसकी थिकनेस आ जाएगी। केचप हो चुकी है रेडी और देखें परफेक्ट इसका कलर आ गया। हम आपको इसकी टेक्निक भी बता दें, ये देखें ये बिल्कुल अब डाउन नहीं हो रही, ये रेडी है, कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब हम दिखाते हैं इसका फाइनल शॉट। व्यूअर्स केचप हुई तैयार, ये देख लें बेहतरीन शॉट आया और इसको हम प्रेजेंट कर दें। ये उम्मीद करते हैं ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी, इसको ज़रूर बनाइए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कुकिंग विद शेफ फराज़ को और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी हर मोटिवेशन वीडियोस आप तक पहुंच जाए। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दें आ रहे हैं अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।